Welcome to FU Book 1, Lesson Number 36. My name is Sanju और you are watching Easy for Education. चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों आज का लेसन है Assessing for Learning 1. Alright दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल. लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो गाइस. फ्रेंड्स पॉइंट ए में आपको एक्सरसाइज में आपको दिख रहा है लिसनिंग असेसिंग फॉर लर्निंग. बेसिकली आपने क्या जो सीखा है क्या आप उस पर फोकस कर रहे हो उस पर डिस्कस करना है आज. ओके तो मैं आपको बोल के बताती हूँ. ऑलराइट एक्सरसाइज पॉइंट ए में है लिसनिंग. ओके आर यू एबल टू आपको मेरा इंटरफेस दिख रहा होगा दोस्तों. नेवर सोल्डम समटाइम ऑफन ऑलवेज. बेसिकली आपने अपनी लर्निंग में कितना फोकस कर रहे हो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना. ऑलराइट आपने कितना किया आप अपने हिसाब से कीजिएगा. मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना किया था. ऑलराइट सो समटाइम आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एक्सेंट. समटाइम एक्सेंट किसी का भी क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग एक्सेंट होता है. जब वो इंग्लिश बोलते हैं आप बहुत सारी वीडियो देखेगा चाइना का इंग्लैंड का अमेरिकन का सबकी एक्सेंट बोलने का जो तरीका होता है ना चाहे वो हिंदी हो कोई भी लैंग्वेज हो जब वो इंग्लिश बोलते हैं ना तो उनके एक्सेंट पकड़ने की कोशिश कीजिएगा. थोड़ा डिफिकल्ट होता है दोस्तों. सेम नहीं होता इंडियंस का अलग इंडियंस की जो इंग्लिश होती है वो सबको लगभग समझ आती है पर अमेरिकन हो गया इंग्लैंड हो गया रशियन हो गया जब वो इंग्लिश बोलते हैं ना तो पिकअप करना बहुत मुश्किल होता है कि वो क्या बोल रहे हैं. तो ये एक्सेंट होता है. एक्सेंट क्या आप समझ पाते हो वो आपको यहाँ पे क्या आप ऑलवेज एक्सेंट ईजिली समझ पाते हो या कभी कभी या समटाइम या सोल्डम या नेवर तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है ऐसे ही. अब आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग में दोस्तों. अंडरस्टैंडिंग ओके अंडरस्टैंडिंग रेट ऑफ स्पीच. ओके इस पे आपको टिक मार्क करना है. आपको आपने क्या ऑलवेज समझ ले तो स्पीच और ऑफन समटाइम सोल्ड अपने तरीके के तो मैं समटाइम. ऑलराइट अब आ जाते हैं रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ द वीडियोस कि जो आपको एफ ए द्वारा वीडियोस दिखाई जाती हैं दोस्तों क्या आप रेगुलरली उनको रिमेंबर करते हो कि आपने क्या वीडियो देखी थी. बेसिकली जो एफ ई में वीडियो दिखाई जाती है उस पर क्वेश्चन होता है उसके बारे में पूछा भी जाता है आपने क्या देखा क्या सीखा उसमें कोई भी क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है तो क्या आप रिमेंबरिंग आपकी अच्छी है आप अच्छे से रिमेंबर डिटेल में उसकी डिटेल बता सकते हो. अगर आप अच्छे हो तो ऑलवेज पे क्लिक करोगे अगर आप थोड़ा थोड़ा तो ऑफन और समटाइम तो मैंने समटाइम पे करा था. मैं कभी कभी चीज़ें भूल जाती हूँ. ओके रिमेन फोकस्ड वाइल लिसनिंग जब भी आप कुछ सुनते हो तो क्या फोकस कर जैसे आप एफ ए में आपकी क्लास हो रही है फैसिलिटेटर आपको कुछ सिखा रहा है तो क्या आप उस पर फोकस करते हो या कोई भी चीज़ है उस पर फोकस करते हो जब कोई चीज़ आप सुन रहे हो. अगर हाँ तो आप ऑलवेज पे टिक कीजिएगा. ओके तो मैंने ऑफन पे किया था दोस्तों. ओके चलिए नेक्स्ट पे करते हैं दोस्तों. फ्रेंड्स अब आपको मेरा इंटरफेस दिख रहा होगा. अब आ जाते हैं रीडिंग पे. रीडिंग में दोस्तों आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया. तो फ्रेंड मेन आइडिया जब आप कुछ रीड करते हो उसमें क्या मेन आइडिया है किस बारे में जो पढ़ाया जा रहा है जो स्टोरी है आप रीड कर रहे हो क्या उसका मेन आइडिया आप जान पाते हो. मैं तो जान पाती थी तो मैंने ऑफन पर टिक करा था दोस्तों. ऑलराइट और नेक्स्ट पर आ जाते आप अपने तरीके से टिक मार्क करिएगा. मैं आज आपको हिंट दे रही हूँ. रिमेंबर द डिटेल क्या आप जो चीज़ रीड कर रहे हो सीख रहे हो क्या उसकी डिटेल को आप इजीली रिमेंबर कर पाते हो वो आपको टिक मार्क करना है. ऑलराइट तो मैंने इस पर भी ऑफन पे करा था दोस्तों. अब आ जाता है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंड द ऑप्शन वाइल अपीयरिंग फॉर रीडिंग असेसमेंट. ठीक है दोस्तों मैंने इससे भी टिक मार्क करा था ओपन पे.
आप अपने तरीके से ये थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में दोस्तों, असेसमेंट फॉर लर्निंग बुक वन आप इजीली कर पाओगे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अपने तरीके से इस पर टिक मार्क कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ नई वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ऑलराइट, मैं हर रोज़ आपके लिए नई वीडियोज़ लाती हूँ ताकि आप कुछ नया सीख सके और FA में आप अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सके। मैं चलती हूँ नई वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।